कई लोग कहते हैं गुरु जी आप सभी धर्मों को क्यों मानते हो? हमने सभी धर्मों को पढ़ा है, हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए दुनियावी पढ़ाई, पर जितना पढ़े नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे। गुरु जी ने हमें बुलाया, सारे धर्मों का अध्ययन करने को बोला, तो हमने हमारे पवित्र वेद शास्त्र गीता रामायण महाभारत पांचवा वेद सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ कुरान मजीद ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल सारे धर्मों को पढ़ा और धर्मों में 99-98% सभी धर्मों का एक ही मत है। कहीं कोई बात अलग मिलती है, अदरवाइज सबकी बात एक ही है और वो बात है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है इस धरती पे पहला आदमी जो आया वो संभय मनु ब्रह्मा जी का पुत्र औरत सतरूपा, उससे आगे आदमी की जात बढ़ती गई, इसलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है मनुष्यता। इस्लाम धर्म में बोला गया है कि धरती पे आने वाला पहला इंसान आदम औरत हव्वा, और इसलिए इस्लाम धर्म में बोला आदमियत हमारी जात। सिख धर्म में लिखा है कि मानस की जात सब है एक को पहचान वो, हम सब मानस हैं सबको एक ही समझो। ईसाई धर्म में लिखा है द गॉड इज वन ह्यूमैनिटी अवर कास्ट, गॉड एक है इंसानियत हमारी जात है। तो भाषा अलग है मतलब एक ही है। और आप निगाह मार के देखो जो कहता मैं बड़ा हूं वो छोटा है, उससे पूछिए क्या वो ताज लगा के पैदा हुआ है जो छोटे की पूंछ लग गई? जो कहता मैं बड़ा हूं क्या उसके नाड़ियों में घी दूध बहता है जो छोटे के पानी बहता है? हमने ये धर्मों में कहीं भी कोई जात पात का जिक्र नहीं पड़ा, वेदों में वर्ण बने हैं वो जात पात नहीं बनी। अगर कोई मुर्दार पशुओं को उठाता है चमड़ा उतारता है उनका मांस खाता है तो उसे बोला गया शूद्र, और जिनको ब्रह्म ज्ञान है उनको बोला गया ब्राह्मण। आगे ये लिखा है शूद्र के घर जन्म लेके अगर कोई ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो वो शूद्र नहीं वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। कर्मों से पहचान होती है, कर्म योगी और ज्ञान योगी। तो हमारे सभी धर्मों में लिखा है हम सब एक हैं, ये भी लिखा है सबका मालिक एक है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे। अल्लाह के नूर जलाल से सारी खलकत बनी, सबको बनाने वाला अल्लाह ताला एक है ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसाई धर्म में लिखा द गॉड इज वन। तो सभी धर्मों में बिल्कुल स्पष्ट किया है हम सब एक हैं मालिक एक है। आप यहां सभी धर्मों के लोग बैठे हैं, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आप पानी के लिए कभी लड़े हैं कि मेरे पानी को जल क्यों कहता है, आब क्यों कहता है, नीरू नीलू वाशर वाटर अनी सब पानी के नाम है? क्या कभी लड़ाई हुई कि मेरा पानी अच्छा तेरा आब गंदा, मेरा आब अच्छा तेरा जल बुरा? नहीं हुई। खाने पीने का सामान है कभी उसके लिए लड़ाई हुई जबकि सभी धर्मों में नाम अलग अलग है? सोचने वाली बात, जरा ध्यान दीजिए। पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता। तो लोग कहते हैं हम लड़ाई क्यों करें? सोचो
पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो सुप्रीम पावर मालिक का नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। ये सारे धर्मों की पुकार है।